नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ऑनलाइन टीवी देख रहे हैं आपके साथ, मैं हूं पंकज रौतेला। निर्भया के गुनहगारों की फांसी पर सियासत क्यों हो रही है, फांसी देने में देरी क्यों हुई, क्योंकि बीजेपी ये मान रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस पर दखलंदाजी की और इसी वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से फांसी पर लटकने वाले गुनहगारों को और वक्त मिल रहा है। दिल्ली सरकार के चलते फांसी में देरी हुई, वरना आज तक फांसी के तख्त पर होते ये गुनहगार। उसे इतर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की है और टिप्पणी में क्या है, क्योंकि सिस्टम को सवालों के घेरे में दिल्ली हाईकोर्ट ने रखा है, इस पर आज आमना सामना होगा। दो मेहमान हमारे साथ जो आज जुड़ने वाले हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। हमारे साथ शत्रुघ्न सिंह बीजेपी से जुड़ेंगे, हमारे साथ मनोज तिवारी जी कांग्रेस से जुड़ेंगे। ये दोनों मेहमान आज फेस टू फेस में आमने सामने होंगे, आप दोनों का स्वागत। निर्भया के गुनहगारों की फांसी पर सियासत, फांसी में देरी के लिए बीजेपी ने आपको ठहराया जिम्मेदार, दिल्ली सरकार के चलते फांसी में हुई देरी, वरना आज तक फांसी के तख्त पर होते गुनहगार। निर्भया के चारों गुनहगारों को फांसी होने का इंतजार पूरा देश कर रहा है, ताकि एक कड़ा संदेश ऐसे गुनहगारों तक पहुंचे जो दरिंदगी की हदों को पार कर जाते हैं। कोर्ट ने फांसी की तारीख तय कर दी, लेकिन सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया। अब बीजेपी ने इस मसले पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण साल 2012 के दिल्ली गैंगरेप के दोषियों को फांसी देने में अब देर हो चुकी है, न्याय दिलाने में देरी के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। निर्भया देश को झकझोड़ने वाला जो निर्भया कांड हुआ, बलात्कार एवं हत्याकांड जो हुआ, उसके आरोपी अभी तक फांसी पर नहीं लटके, इसका एक ही कारण है, आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार है इनकी लापरवाही के कारण वो फांसी पर नहीं लटके। केंद्रीय मंत्री ने केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि पिछले 2.5 सालों में दिल्ली सरकार ने दोषियों को दया याचिका दाखिल करने को लेकर नोटिस जारी क्यों नहीं किया। उच्चतम न्यायालय ने उनका अपील 2017 में ही खारिज किया था और उनको फांसी की शिक्षा सजाए मौत दी थी, लेकिन एक प्रोसेस होती है कि तिहार जेल अथॉरिटीज को उनको नोटिस देनी पड़ती है कि आपको ऐसे ऐसी फांसी की सजा हुई है, आपको दया याचिका करना है या क्यूरेटिव पिटीशन करना है या जो भी कानूनी आपके अवसर है वो लेना है, तो अभी ले लो, नहीं तो आपको फांसी मिलेगी। लेकिन ये नोटिस 2.5 साल दी नहीं, अक्टूबर 19 तक नहीं दी। ये जो 2.5 साल का डीले है, देरी है, ये कॉम्प्लिसिटी है दिल्ली सरकार की गुनहगारों के प्रति जो सहानुभूति है। बता दें कि 15 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया कांड के दोषी मुकेश की अर्जी पर तल्ख टिप्पणी करते हुए उसे ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था। मुकेश ने डेथ वारंट को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार ने मुकेश की दया याचिका को उपराज्यपाल के पास भेज दिया था। अब दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दया याचिका को ठुकराने की सिफारिश के साथ उसे गृह मंत्रालय के पास भेजा है, लेकिन इस पर सियासत भी अब तेज हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो दया याचिका पर सियासत हो रही है, जिससे फांसी की तारीख और आगे बढ़ जाएगी। ये वकील का भी मानना है, किसी की दया याचिका डाली गई है तो फांसी अपने आप पीछे चली जाएगी। क्या कहना है निर्भया की वकील का और क्या कहता है कानून, दिखा रहे हैं आपको। जो दिल्ली जेल मैनुअल है उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर मर्सी किसी की भी फाइल की गई है तो उस केस में इनका जो फांसी का जो डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर किया गया है वो डेट उसकी अपने आप एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये ओवरऑल ये लॉ है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है, वो बात ये कि दिल्ली हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी देखने को मिली, सिस्टम की आंखों पर पट्टी बनी है। हम दिखा रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी में क्या कहा। तो यह साफ दिखता है कि व्यवस्था का दुरुपयोग हो सकता है और किसी किया भी गया है। अगर ऐसा हुआ तो लोगों का व्यवस्था पर से भरोसा नहीं बचने वाला, उठ जाने वाला है। जब तक सभी अभियुक्त दया याचिका नहीं लगाते आप कुछ नहीं कर सकते, व्यवस्था ही कैंसर से पीड़ित है।
ये जो व्यवस्था की बात हो रही है, हम जानते हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की अदालतों में लाखों केस ऐसे हैं जो पेंडिंग है। 2012 में निर्भया कांड हुआ, 2012 से लेकर 2020 में कहीं जाकर इस केस की सुनवाई पूरी हो पाई और अभी भी उस पर सियासत हो रही है। जब फांसी की तारीख कोर्ट ने तय कर दी उसके बाद भी सियासत हो रही है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सिस्टम को लेकर जो सवाल उठाया है उस पर आज आमने सामने हैं दो मेहमान। शत्रुघ्न सिंह, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करने जा रहा हूं, आप बीजेपी से हैं। सरकारों का दखल रहा है किसी भी कार्यवाही में कहीं पर भी, अब जब यहां भी सियासत हो रही है निर्भया के मामले में, सीधे तौर पर प्रकाश जावड़ेकर ने यह कहा कि जब आपके पास जानकारी थी पिछले 2.5 साल में आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया लेकिन आपने कोई प्रोसेस को अंजाम नहीं दिया, इसीलिए फांसी की तारीख आज और आगे बढ़ रही है, डिले हो रही है फांसी। देखिए ऐसा है, आम आदमी पार्टी का पहले से ही स्टैंड ये रहा है कि किसी भी तरह उन अपराधियों को बचाया जाए। जी, उन्होंने सिलाई मशीन बांटी थी, आप लोगों को शायद याद होगा, उन्होंने सिलाई मशीन दी हुई थी कि ये लोग अपराधी नहीं हैं, इनको किसी भी तरह पकड़ लिया गया है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी जुडिशियली सिस्टम को या किसी भी संवैधानिक सिस्टम को किसी को बिगाड़ने के लिए ना तो इस पर प्रभाव डालती है ना तो उसको तोड़ती मरोड़ती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का क्लियर स्टैंड ये रहा है कि वो किसी भी तरह अपराधियों को किसी भी तरह बचाया जाए, किसी भी तरह कुछ ऐसा किया जाए कि किसी भी तरह डेट आगे बढ़े, ये सब आम आदमी पार्टी का रहा है और उसमें कांग्रेस का सहयोग रहा है। तिवारी जी, कांग्रेस का सहयोग रहा, ये सिस्टम के दुरुपयोग पर जो टिप्पणी है ये टिप्पणी अखर रही है, ये बड़े सवाल खड़े कर रही है सिस्टम पर। ये सिस्टम में कौन ऐसे लोग हैं और कौन सा ऐसा सिस्टम है जो ऐसे मामलों पर टांग अड़ाता है? पंकज जी, मुझे लगता है कि शत्रुघ्न जी जिस मुद्दों पे चर्चा हो रही है उसके प्रति बहुत ज्यादा संजीदगी भरा इनका बयान नहीं है। आश्चर्य है, सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है और राज्य में सरकार आपकी है और ठीकरा किस पे फोड़ना है? कांग्रेस पे। दरअसल इनको कांग्रेसोफोबिया हो गया है। समस्या यहां है, आपकी सरकार को उनकी इच्छा शक्ति का मामला है और दूसरा मामला इच्छा शक्ति केंद्र सरकार का है। 2012 में यह घटना घटती है, 2012 के बाद जब इनकी सरकार थी और आपकी सरकार है तो आपको अपने क्रियान्वयन में तेजी लाना चाहिए था और केंद्र सरकार को उस पर संजीदगी रखते हुए संज्ञान लेते हुए दोषियों को आज फांसी पे लटकाना चाहिए था। अब चूंकि चुनाव का मामला है, इनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी किड़किड़ी हो रही है, हाई कोर्ट का सख्त बयान भी आया है, तो उस बयान के परिप्रेक्ष्य में एक राजनीतिक बयान देना हमारे शत्रुघ्न भाई की मजबूरी है, तो इसलिए इनको जो है अपने अपने आवरण पे पर्दा डालना है। शत्रुघ्न जी, जवाब दीजिए, तुरंत जवाब दीजिए, काटिए ना, आप बताइए आपके पास तर्क है, जानकारी है तो बोलिए। स्वतंत्र हुआ है, संवैधानिक संस्थाओं को, कोर्ट को, जुडिशरी सिस्टम को किसने तोड़ा है? साहवानों का मैटर ले लो, साहवानों के मैटर में क्या हुआ था? साहवानों के मैटर में कोर्ट ने क्या आदेश दिया था? वो उसके बाद आपकी सरकार क्या किया? राजीव गांधी जी जाके बिल लेके आए संसद में, तो कोर्ट को उसको डाउन करना, संवैधानिक जुडिशरी सिस्टम को डाउन करना, भाई मामला जो है अभी तात्कालिक मामला जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आप निर्भया चर्चा से भागने की कोशिश मत कीजिए, आप इस मुद्दों पर चर्चा कीजिए। आज की डेट में तो कम से कम ये स्थिति तो आई कि जो ये हो रहा है कि फांसी लग रही है, नहीं तो कांग्रेस का अगर रिजिम रहा, फांसी लग रही है, फांसी तो लगी है, फांसी लगनी चाहिए, वो मामला टलता दिख रहा है। दूसरा सवाल उस पर है, उस पर आपको जवाब देना है, आपकी सरकार के क्रियान्वयन की पद्धति क्या है उस पर मुझे बताइए ना। शुरू से जो जुडिशियरी सिस्टम को डाउन करने का काम किसने किया है? आप इतिहास उठा के देखिए, जुडिशियरी सिस्टम को डाउन करने का काम, जुडिशियरी सिस्टम का अगर आप सवाल उठाते हैं तो मैं आपको अच्छी जानकारी में लेके आता हूँ। 2012 के बाद निर्भया फंड का क्रियान्वयन किसको करना था? आपको करना था या कांग्रेस को करना था? आप पहली बात मुझे ये बताइए। दूसरी बात सुन लीजिए, जुडिशियरी के तरफ से ये बयान आया था कि बहुत सारे प्रोसेसिंग में जजों की दिक्कतें हैं, कमियां हैं, बहुत सारी पुलिस प्रोसेसिंग में समस्या है, उस पुलिस प्रोसेसिंग को और जुडिशियरी सिस्टम को चुस्त और दुरुस्त करने की जिम्मेवारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो फिर आपने किया क्यों नहीं? उसी ने तो किया। फिर आपने किया आज राम मंदिर का किया है? फैसला आया भाई, राम मंदिर जो 70 साल से रुका हुआ था, सुनिए, कांग्रेस की वजह से हुआ था, आपको नहीं दूंगा, नहीं नहीं, आप ये बताइए, निर्भया कांड जैसे हजारों पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। आपको एक पॉइंट भी बता रहा हूं, सिस्टम में 2012 के बाद
कौन सी तब्दीलियां की है आपने, मुझे ये बताइए। हमारे यहाँ कम से कम डे टू डे हियरिंग तो होने लगी राम मंदिर में। कौन सा हियरिंग हो रहा है 2012 के बाद? आज कौन सा है? 2020 होने जा रहा है। और फांसी का मामला लटक गया पीछे से। फांसी का मामला क्यों लटक गया? जुडिशियरी सिस्टम में तब्दीलियां क्यों नहीं हुई? जो फाइट जुडिशियरी कहता है कि हमको इन इन चीजों पर मदद की आवश्यकता है सरकार से। सरकार ने जुडिशियरी उसको मशीनें दे रही है, इसका मतलब सीढ़ा क्लियर है। वो उनका अपराधी मानते ही नहीं। ढाई साल अगर वो टाला हो प्रॉम्प्ट करने के लिए, ढाई साल अगर उन्होंने टाला, ढाई साल क्यों टाला किया गया है? अरे मुझे उस पे बताइए ना। डे टू डे हियरिंग साहबानों चले जाते हैं, कभी दूसरे मामले में शुरू से लेके आज तक चर्चा कीजिए। शुरू से लेके आज हम चर्चा कर लेंगे, पहले इस पे चर्चा कीजिए। एक निर्भया का मामला नहीं है, क्यों नहीं है? आज निर्भया की वजह से हाई कोर्ट आप पर टिप्पणी कर रहा है, फिर भी आपको शर्म नहीं है? गलत बात है, आपको ऐसा नहीं लगता? जनता पार्टी का मुझे शत्रुघ्न इतनी जो तेजी आई, इतनी जो तेजी आई है कि आज वो फांसी के तख्ते के पास तक गए हैं, उसकी भारतीय जनता पार्टी की वजह से। अगर कहीं कांग्रेस पार्टी होती सत्ता में तो अभी तक तो वो छूट भी चुके होते, समय छूट गए होते। आप गलत गलत जगह भटक जाते हैं, उसी का आज ये नतीजा है कि हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आपको सुननी पड़ रही है। हाई कोर्ट की तल्ख आई है कि 70 साल से जो ये जुडिशरी सिस्टम है, सिस्टम में क्या बदलाव किया आपने? सिस्टम में हमारे यहाँ कम से कम राम मंदिर का डे बाई डे हियरिंग तो करवाई, निर्भया आपने क्यों नहीं करवाई? क्यों नहीं किया गया हमें? क्यों नहीं किया गया? निर्भया फंड का क्यों नहीं किया गया? तो क्यों नहीं किया? ब्रेन मैपिंग टेस्ट के लिए आपने व्यवस्था की है? किया है आपने? बिल्कुल किया है भाई। सुनिए बताइए कहाँ किया आप? यहाँ पे आप वहाँ हियरिंग होकर फाइनल कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि अब फाइनल डिसीजन नहीं है। अब मुझे बताइए सब हो चुका है, उनकी लाइट डिटेक्टर हो चुके, ब्रेन मैपिंग हो चुके, सारे टेस्ट हो चुके हैं। तभी तो जाके जज ने डिसीजन दिया है कि आके कम से कम उनको फांसी पे लटकाओ। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है ये प्लानिंग से एक एक की अगर आप पिटी रेट डाल रहे हैं, वो इसीलिए डाल रहे हैं कि किसी भी तरह डाला जाए। बहलाइए मत, आप मुझे बताइए, बड़ी प्लानिंग से इस तरीके से डाल रहे हैं। बता तो दीजिए, एक एक व्यवस्था बताइए कौन सा किया आपने? आपको कौन सा लैब का निर्माण किया आपने, मुझे बताइए? ऑलरेडी लैब है, ऑलरेडी पूरा निर्भया का फंड, कैमरे लगे, सीसीटीवी कैमरे लगे, आपके यूपी में खर्च हुआ। मुझे तो लगता ही नहीं है। बात कर रहे हैं, निर्भया फंड यूज नहीं हुआ? बात आप करते हैं, आप करते हैं। सुनिए, आपको आप एक सीसीटीवी कैमरा पर सरकार चलाएंगे क्या? 2002 शुरू से 1947 से लेकर हाई कोर्ट को पढ़िए, क्या बोला उसने? उन्होंने क्या बोला? हाई कोर्ट ने क्या बोला है? ये बोला है जो 70 साल से ये सिस्टम चला आया है, 70 साल से जो सिस्टम चला आया है, यस, अरे दो ये आज का नहीं है। आज जुडिशरी इस स्थिति में आ गई है, कोई आज के दिन में आ गई है? शत्रुघ्न भाई एक चीज आप बताइए, ऐसे नहीं आई? कितने लोगों को फांसी दिया आपने? कितने लोगों को? अफजल गुरु को आपने फांसी दिया था क्या? कसाब को आपने? अरे हम थोड़ी कोर्ट चला रहे हैं, पाप आप हम करते थोड़ी कोर्ट चला रहे हैं, पाप का निपटारा हम करते हैं। 70 साल बताइए ना, 70 साल भूल साल कहाँ भूल जाए उनको? आज हमारे देश जो वहां पे खड़ा हुआ है, अरे उसी 70 साल की वजह से खड़ा हुआ है। बता दीजिए भाजपा के प्रवक्ता, बताइए मुझे निर्भया भाई, बताइए मत बताइए। मैं आपको, आप खुद देखिए, आप अपना पूरा इतिहास देखिए शुरू से आज ये आज हम देख रहे हैं, आज हम यहाँ क्यों खड़े हैं? को दुनिया के पांचवें नंबर पर हम लेके आए हैं। ये आज हम क्यों आ गए हैं? अरे 6 वर्षों में 3000 सिक्कों को 3000 सिक्कों को जिंदा जला दिया जाता है, उसमें एक को भी फांसी मिली है? अरे निर्भया पर बोलिए ना, निर्भया नहीं, निर्भया पर सिस्टम पे बात हो रही है। हाई कोर्ट ने सिस्टम की बात करी है, सिस्टम पर बात करी है। क्या विचार है? मुझे सिस्टम पे बात हुई, भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते उन्होंने जो बात करी है वो सिस्टम पे बात करी है। जुडिशियरी को प्रॉम्प्ट बनाने के लिए आपने क्या दिया है मुझे बताइए। डे बाई डे केस की हियरिंग हुई राम मंदिर की। अरे आपने थोड़े किया, फिर वही बता रहे हैं। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे क्या? वो तो जज कर ही रहे हैं। वो दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है मुझे बताइए। आपको मैं 10 पॉइंट गिना देता हूं, बताइए हमारे। अरे एक पॉइंट पहले बताइए ना, मैंने आपसे पूछा, 10 पॉइंट बताने लगे। आज जो जुडिशरी सिस्टम है, सुनिए, आज जो जुडिशरी सिस्टम है जो इतना प्रॉम्प्ट हुआ है कि कम से कम जो है ये लोग फांसी की तरफ तो गए। सुनिए, सुन तो लीजिए, आप पूरी तैयारी से आए हैं। अरे तैयारी से आ रही है, आप पूरे चीज से भाग रहे हैं। खाली करनी थी, कितने जज खाली हैं बताइए? कितने जजों के पद खाली हैं? आपने भरा है क्या?
क्यों नहीं भरा है बताइए कितना भरा है हमारे बताइए कितना भरा है सुनिए ये सब रेगुलर सरकार रेगुलर सिस्टम से रेगुलर ये सब हो रहा है आप उधर अदरवाइज रेगुलर सिस्टम जजों के सिस्टम से इसका कुछ नहीं हो रहा है आप सुनिए बात को यहां पॉइंट ये हो रहा है आपने सुनिए बात को इस चीज का नहीं है निर्भया केस का मामला क्या है आप बात को दूसरी तरफ की जजों की हम भर्ती चार करा के बता तो रहा हूं आप डे बाई डे हियरिंग होने लगी आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जज ने आपको आपत्ति भी जताई थी आप ऐसी बात कर रहे हैं पहली बार देश के इतिहास में हुआ है सुनिए आप जुडिशियरी सिस्टम खुल के सरकार के क्रियान्वयन पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है बिल्कुल नहीं उठा रहा है किसी ने नहीं उठाया राम अभी तो चार जजों का बेंच ने बोला आप 70 साल तक फाइल जो दबाए के रखे हैं एक एक फाइल क्लियर हो रही है वो क्यों हो रही है मैं वही बोल रहा हूं क्या राम मंदिर में क्या था ऐसा फिर राम मंदिर बिल्कुल अरे राम मंदिर एक ऐसा उदाहरण है राम मंदिर क्यों नहीं है के लिए राम मंदिर मेरा नहीं है निर्भया मेरा है आपने तो टाल दिया मेरा है निर्भया मेरा है ना निर्भया आपने क्या किया कोर्ट कह तो रहा है निर्भया पे टाल मटोल कर रहे आम आदमी पार्टी जिनके साथ आपकी फ्रेंडली फाइट होती है वो सिलाई मशीन दे रहे हैं जिन्होंने चार आदमी की रिट याचिका जो एक साथ दायर करनी थी वो आपने एक एक करके बदल के कर रहे हैं राज्य में आपकी सरकार है आप अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश मत कीजिए आप मुझे बताइए मैंने दो प्रश्न पूछा दोनों प्रश्न से आप भाग गए बिल्कुल नहीं कोई बताइए ना सुनिए अरे निर्भया फंड का दुरुपयोग क्या हुआ बताइए कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है अभी पूरा मामला संज्ञान में है पूरा अरे कहां बोला ये निर्भया फंड का जितना निर्भया फंड उत्तर प्रदेश सरकार ने किया सुनिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किया निर्भया फंड से बसें लगी हैं निर्भया स्पेशल निर्भया फंड पे शत्रुघ्न भाई मैं आपको जानकारी दे देता हूं कोई आपको जानकारी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी फंड का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है और आप दूसरी बात सुनिए भाई पूरा आप अपनी गलतियां दुरुपयोग आप अपनी गलतियां सुधारिए निर्भया फंड में पता है देखिए फंड की फंड का दुरुपयोग पता है कहां किया गया कोई नहीं कहीं नहीं किया बताइए अरे कि मैं तो बोल तो रहा हूं एक जगह बता दीजिए बताइए निर्भया फंड का उपयोग पुलिस मुख्यालय बनाने में लगाया गया है उनके छतों को बनाने में लगाया गया है निर्भया फंड किस लिए दिया गया था मुझे बताइए आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी महिला सुरक्षा हो रही है महिलाओं सुरक्षा के लिए यूपी सरकार में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं आपको जानकारी एनडीआर का रिपोर्ट पढ़ी है चली है एनडीआर का रिपोर्ट पढ़ी है पता है एनडीआर ने क्या बोला है क्या बोला है क्या बोला है 146,000 केसेज रजिस्टर्ड थे 2016 में ठीक है कितनों का निपटारा हुआ कितनों का हुआ बताइए कितनों का हुआ बताइए नहीं आप बताइए 5,442 कांग्रेस की सरकार होती कांग्रेस की सरकार होती सुनिए भाई को कांग्रेस की सरकार ये 5,042 भी नहीं होते सरकार आपकी है आप हमारी सरकार है हम अपनी सरकार को आंसर दे रहे हैं आपको आप भाग रहे हैं हम भाग नहीं रहे सुनिए भाई को आम आदमी पार्टी के साथ आपकी फ्रेंडली फाइट थी आपके वकील उनके साथ आइए आप भी डेटा लेके आइए आपको पता ही नहीं निर्भया आपको जानकारी नहीं है कहीं नहीं बिल्कुल कोई नहीं हुआ हमारे यहाँ जितना निर्भया फंड जो है मामला आया है कह रहे नहीं हुआ हमारा निर्भया फंड का पूरा जो यूज हुआ सुनिए जो नहीं हुआ है ना वो वापस दिया गया है कोई यूज नहीं हुआ एक सवाल आपसे मेरा है अब मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि 2012 में निर्भया कांड और उसके बाद 2020 में अदालत ने यह फैसला सुनाया कि फांसी के तख्त पर होंगे ये तो बात साफ हो गई कि दया याचिका एक एक कर लगाई जा रही है ठीक और सीधे ये कोर्ट का जो कोर्ट ने कमेंट किया ना वो मैं लेके बैठा हूँ इसमें साफ तौर पर कहा है कि ये साफ दिखता है व्यवस्था का दुरुपयोग हो सकता है और किया भी गया अगर ऐसा हुआ तो लोगों का व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहेगा ये नियम की खामी है नियम की खामी अब कौन सी खामियां हैं आप लोग तय कर लीजिए कि जब तक सभी अभियुक्त दया याचिका नहीं लगाते आप कुछ नहीं कर सकते व्यवस्था ही कैंसर से पीड़ित है एक बात का जवाब दीजिएगा सर दिल्ली में कांग्रेसी सरकार भी रही आम आदमी पार्टी की सरकार कब बनी आप जानते हैं केंद्र में तिवारी जी आपकी सरकार भी रही 2000 निर्भया फंड का आप लोग जिक्र कर रहे हैं आप लोग निर्भया फंड का एक स्कीम थी एक योजना के तहत आपने कर तो दिया लेकिन उसका उपयोग कैसे और क्यों कब तक होगा कोई चीज तय नहीं की गई ये बताइए ना ये खामियां तो पहले से थी तिवारी जी पंकज जी मैं आपको बता आज भी है पंकज वो घुन पहले से लगा था आज भी है पंकज जी मैं आपको बताता हूं 2014 में केंद्र की सरकार से कांग्रेस चली गई जी 2014 के पहले जब ये मामला हुआ था तो उस मामले पर हमने पूरी संज्ञानता के साथ यह बात चिन्हित किया था कि किन किन चीजों की आवश्यकताएं हैं उन चीजों की आवश्यकताओं के लिए हमने स्पेशल फंड अरेंजमेंट की पहली बार बात की थी दूसरी बात हमने कहा था जुडिशियरी प्रोसेस में यह बताया गया था कि जुडिशियरी को और पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ताकि अभियुक्तों की शिनाख्त बहुत जल्दी से हो सके और पुलिस प्रोसेसिंग में तेजी आए उसके लिए हमने एक अलग व्यवस्था बनाई थी और जिसको कहा था लिखित दिया था तीसरी बात हमने कहा था कि बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स की आवश्यकताएं हैं जिनको लाना जरूरी है ताकि प्रोसेसिंग में तेजी आए
चौथी बात हमने कहा था कि जितने भी खाली पद हैं उनको हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो जजों के रिक्त स्थान है उनको भरने का प्रयास किया जाए। हमारी सरकार चली गई तो सरकार जाने के बाद जिन जिन चीजों को हमने संज्ञान में लिया और जिन जिन चीजों को कहा, सरकार जाने के बाद क्या हुआ, क्रियान्वित करना चाहिए। मैं एक बात पंकज जी, एक बात मैं और बता देता हूं, आपको जान के आश्चर्य होगा। मैंने आपको बताया एनडीआर का रिपोर्ट बताया, दूसरी बात एक मैंने कही, जुडिशियरी ने भी इस पर सख्त टिप्पणियां की थी कि कोर्ट में मामला लंबित इस वजह से हो जाता है कि जितने हैंड्स की आवश्यकता है उतना हैंड्स कोर्ट में नहीं है, पहली बात। और कोर्ट में जब यह मामला आता है पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के रूप में, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी काफी समय लगता है और उस इन्वेस्टिगेशन को त्वरित करने के लिए जिन इक्विपमेंट्स की आवश्यकताएं हैं उन इक्विपमेंट्स के लिए सरकार ने संस्तुति की थी, तो इसको काम तो अब केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जी है क्या कि भैया हम हट गए अभी, नहीं तो हम ये कर देते, हम हट गए नहीं तो हम इक्विपमेंट लगा देते, सवाल हम अहमदाबाद में लैब में जाके टेस्टिंग के लिए जाते हैं। आज की डेट में इनके आज कौन से लैब में टेस्टिंग के लिए 70 साल में अरे कौन से लैब में टेस्टिंग के लिए जाते हैं 70 साल में सुनिए पहले कौन सा लैब में अहमदाबाद में आप अगर ऑडियो की ऑथेंटिसिटी पता करनी हो तो अहमदाबाद भेजना पड़ता है। अरे भैया कौन से लैब में, दूसरी बात सुनिए, बोल क्या रहे हैं, 70 साल में समझ में नहीं आ रहा, मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं, आपकी बात को समझना होगा ना। 70 साल आपने कौन सा लैब कर दिया, 70 साल में लैब कौन सा है बताइए ना, ऑडियो की ऑथेंटिसिटी सेट करने के लिए, ऑथेंटिसिटी को लैब करने के लिए सरकार को लैब की आवश्यकता है, सरकार को नहीं है, सिस्टम को जो है पुलिस को है, पुलिस को है। आप ऐसी बात कर रहे हैं तिवारी जी, 70 साल में कोई आप हम आ गए, कौन सा तकनीक विकसित कर दिया है, पहले मुझे तो लगता है निशंक साहब का बयान आप बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र को संजय को दिखाई दे रहा है, तिवारी जी सुनना पड़ेगा, तकनीक मेरे समझ में नहीं आ पड़ेगा, तो आपने 70 साल में कुछ नहीं किया, कौन सी तकनीक, 2 साल की हम साहब 5 साल से हट गए हैं, अगर हम होते तो हम ये कर देते, हम होते हम लैब बना देते, हम होते सारे जज भर देते, हम होते उस टेक्नोलॉजी का नाम, आप कहेंगे हम होते सारे हम जज भर देते, हम होते कोर्टें बना देते, हम होते डे बाई डे हियरिंग करते, लेकिन पूरा देश देख रहा है जो मुद्दे इन लोगों ने 70 साल से दबा रखे थे भारतीय जनता पार्टी के बिल पावर के, वो सारे मुद्दे निकल के आए, राम मंदिर का 70 साल दबा रखा है, इन्होंने बनाया, सुनिए बताइए ना, आप एक चीज समझिए, इनको क्या है कि हम नहीं थे साहब, नहीं तो हमने ये मांगा था, हमने जज करे थे, आपको शुरू से ही ये जो गैप क्रिएट हो गया है भाई साहब ऊपर नहीं है, सुनिए ये जो बड़ी हमारे ऊपर नहीं है, तो टिप्पणी आपकी सरकार के नहीं है, ये सिस्टम के ऊपर है, सिस्टम में आप भी हैं, हम भी हैं, बड़ी है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, संज्ञान में सोचना चाहिए, आप बोलिए, आप जो टिप्पणियां की है कोर्ट में सिस्टम पे की है, अरे क्योंकि उस सिस्टम में आप भी 70 साल में आप भी तो है, चलिए हम तो सुनिए 70 साल एक बात बताइए, हम अभी आप 2014 में सुनिए 2014 चलिए चलिए वक्त समाप्त हुआ, मेरा मेरे को इशारा हो गया ऐसा, कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। शत्रुघ्न सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मोहित तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, ये दिल्ली हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी सरकारों को लेकर सिस्टम को लेकर है, ये अक्सर देखा जाता है, ये अक्सर देखा जाता है, कोई भी विवाद हो उसमें दो लॉबियां बन जाती है, एक लॉबी उसका समर्थन करती दिखाई देती है, एक लॉबी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, और ऐसे केसेस में जब सिस्टम की लापरवाही लेट लतीफी होगी तो जाहिर सी बात है इंसाफ मिलने में भी देरी होगी, जब दया याचिका लगनी है, जब सभी ने दया याचिका लगानी है तो एक साथ लगे, लेकिन एक एक करके लगाने का प्रोसेस मतलब और ज्यादा केस को लंबा खींचना, कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। फेस टू फेस में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए R9 TV, सिर्फ खबर के लिए।